तो VVM माइक्रोप्रोग्रामिंग में आज हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, और फंक्शंस में आज हम बात करेंगे आपके साथ कुछ नए फंक्शन कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अभी तक आपने फंक्शन में देखा है जो पहले से ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस थे उसको हमने इस्तेमाल किया था, राइट। और पहले से बने बनाए फंक्शंस के जगह पे खुद के फंक्शन कैसे उसको किसी को कस्टमाइज़ किया, जैसे हमने VLOOKUP के लिया था, VLOOKUP को कस्टमाइज़ किया था, सम इफ को कस्टमाइज़ किया था। अब हम बात कर रहे हैं कि जो फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है वो कैसे बनाए, हम आज की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे। और हमारे साथ जाहिद जी, संग्राम जी और मोविन जी है। सर क्लास स्टार्ट हो रही है कुछ सेकेंड्स में। जो लोग इंटरनेट पे यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, आधा अधूरा देखने से समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसपे फॉर्मूला हम बनाते हैं। अगर आपको सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, जहाँ पे सारे वीडियो सिक्वेंस में मिलेंगे। और साथ में अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जूम के थ्रू। अभी जैसे रात की 9 9 10 की क्लास चल रही है और इतनी लेट नाइट हम पढ़ा रहे हैं, इस तरह से चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख लें वहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास दो फॉर्मूले ऑलरेडी है। एक पहला जो फॉर्मूला है वो है इज ऑड का फॉर्मूला। इज ऑड फॉर्मूला क्या करता है? इज ऑड फॉर्मूला ऑड नंबर निकाल, ऑड नंबर हो तो ट्रू देता है अदरवाइज फॉल्स देता है। ऐसे हमारे पास इज इवन का फॉर्मूला, अगर इवन है, इवन नंबर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। एक और नंबर होता है इज प्राइम, बट इज प्राइम का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो खुद से या वन से डिवाइड हो, जैसे कि 7, जैसे कि 5, जैसे कि 11, 17, 23, ऐसे जो नंबर हैं वो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं या फिर आपके वन से डिवाइड होता है। तो अगर प्राइम नंबर में लिख रहा हूँ, जैसे मैं 22 डाला, 23 डाला, तो प्राइम नंबर है 23, तो वहां पे ट्रू आए अदरवाइज फॉल्स आए। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला तैयार करते हैं। यहां देते हैं हम फंक्शन और हम नाम दे देते हैं इज प्राइम, और हम कहते हैं एन एज ए लॉन्ग। हमने बोला कि नंबर एज ए लॉन्ग, मतलब कि यहां हम जो अप्लाई करेंगे इज प्राइम को अप्लाई करके इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमने 23 सेलेक्ट किया, मतलब B3 की जो वैल्यू सेलेक्ट किया वो एन पे स्टोर हो गया। अब यहां पे लूप चलेगा, लूप होगा कि फोर आई इक्वल टू चले 2 से चले कहां तक, N-1 और नेक्स्ट, क्योंकि प्राइम नंबर जो है खुद से डिवाइड होता है नहीं तो वन से होता है, इसलिए हम टू से जो नंबर है उससे कम तक चल रहे हैं, और हर नंबर से हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इसका हम मोड निकालेंगे। तो एक वेरिएबल यहां ऊपर लेते हैं यहां पे कि डिम एम एज ए हमने लिया यहां पे लॉन्ग, लॉन्ग नहीं कीजिए यहां पे डबल होगा क्योंकि तो डेसिमल भी आ सकता है ना, डबल। हाँ, और यहाँ पे हम करते हैं m इक्वल टू n, सॉरी n नहीं i, हाँ n, सॉरी n होगा n मोड i। तो वन बाई वन ये क्या करेगा, m पे n जो भी नंबर है उस नंबर को 1 2 2 3 4 5 6 7 ऐसे हर नंबर से डिवाइड करेगा, और मोड क्या करता है, शेषफल देता है। तो जो सेसफुल होगा एम पे स्टोर करेगा। अब यहां पे कंडीशन देना है कि इफ एम इक्वल टू 0 देन क्या शो हो, यहां पे इज प्राइम इक्वल टू ट्रू। अब यहां एक जो है फंक्शन का रिटर्न टाइप भी जिसका आप यहां पे कर सकते हैं बुलेन, देखिए फंक्शन जो है बुलेन का रिटर्न टाइप है, ओके
तो यहाँ पे हमने इज प्राइम इक्वल टू ट्रू कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट फंक्शन, और सॉरी एंड होगा, और यहाँ पे करते हैं एंड। तो हमने इज प्राइम नाम का एक नया फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला क्या करता है, अगर नंबर प्राइम हो तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इज प्राइम बाद में यहाँ पे इक्वल टू हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। अब देखिए रिटर्न आपके साथ क्या आया, एक मिनट, यहाँ फॉल्स, एग्जिट फंक्शन नहीं, यहाँ पे फॉल्स उल्टा हमने कर दिया, या फॉल्स होगा और यहाँ ट्रू होगा। अब आएगा ट्रू, ओके। तो अगर मैं 11 देता हूँ ट्रू होगा, 12 देता हूँ फॉल्स होगा, 20 देता हूँ फॉल्स होगा, 33 देता हूँ फॉल्स होगा, 31 देता हूँ ट्रू होगा। तो वर्क कैसे कर रहा है, अब इस कोड को देखिए वर्क कैसे कर रहा है। तो जो वर्क जो कर रहा है, शीतल जी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपने सिस्टम से ज्वाइन नहीं किया, जो सिस्टम से ज्वाइन करता है वही सेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 11 दिया, राइट, तो इसने दो से, तो यहाँ पे आपको 2 है, पहला बार लूप ये क्या करेगा, 2 से 10 बार चलेगा, मतलब कि ये 2 से 10 बार इस लूप को चलाएगा, और चलाने के बाद पहले बार में n जो नंबर हमारा 10 है 11 है वो हो गया n, n को पहले 2 से डिवाइड करेगा शेष पल, तो शेष पल कुछ पॉइंट्स में आएगा m पे, तो ये चेक करेगा कि m 0 तो नहीं है, नहीं है 0, फिर वापस जाएगा 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से डिवाइड करेगा। अगर कहीं भी इसको 0 मिल गया, जैसे मान लीजिए कि नंबर अगर 10 है तो 2 से ही किया, उसको 0 मिल गया, 0 मिलते ही क्या करेगा, इज प्राइम का रिजल्ट कर देगा फॉल्स, और यहीं पे फॉर्मूला को ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसको एक भी नंबर से डिवाइड हो गया तो आगे बढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है इसको, यहीं पे हमारा फॉर्मूला खत्म हो जाता है। तो सबको प्राइम नंबर समझ में आ गया, हेलो, क्या इस कोड में क्या दिक्कत है, कोड को समझिए, बताइए क्या मुझे इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, मतलब कि जो भी नंबर डलेगी उससे एक कम चलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर एक और खुद से और वन से डिवाइड होता है, तो ये दोनों से, सिंपल से बात समझिए ना कि मुझे प्राइम नंबर को चेक करने के लिए क्या करना होगा। आप नॉर्मली ये चेक करोगे प्राइम नंबर है कि नहीं है, आप उसको छोड़ोगे, वन को छोड़ोगे, बाकी हर नंबर से डिवाइड करके देखोगे, अगर डिवाइड हो जाता है जीरो से स्पल जीरो आता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब प्राइम है, नहीं होता है मतलब कि किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब वो प्राइम है नहीं, अगर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं है। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, और डिवाइड नहीं हुआ किसी से तो ये आपका रिजल्ट आएगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ एग्जिट फंक्शन लगा, जैसे ही डिवाइड होगा फॉर्मूला देगा और फॉर्मूला को ख़त्म कर देगा। ओके, चलिए अब एक चीज और हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ नाम देते हैं, रुक जाइए। अच्छा, क्या है कि सबके पास लेटेस्ट सेक्शन नहीं है, जैसे कि अगर बात करें ऑफिस 365 की, तो सबके पास ऑफिस 365 नहीं है, राइट। तो एक फॉर्मूला है जो कि मोस्टली लोगों को जरूरत पड़ जाती है। अब क्या है फॉर्मूला, मैं बताता हूँ।